हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा दीक्षित पांडे ब्लॉग। और मैं शिखा दीक्षित आपका अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आपसे सॉरी भी कहती हूँ क्योंकि बहुत दिनों से मैं अपने ब्लॉग्स नहीं कंटिन्यू कर पा रही थी, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए मैं अपने ब्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी। बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं रेगुलर अपने ब्लॉग डालूँ, और जब बहुत ज़्यादा कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जो मैं ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी गाइस। इन दिनों मेरे पास चीज़ें तो बहुत सारी थी मैं उन्हें शूट करती और आप लोगों के साथ शेयर भी करती, लेकिन मैं उन्हें शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैंने आपको जैसा भी बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जिनके कारण मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़्यादा हो रही थी, तो मैं नहीं ब्लॉग बना पा रही थी। शॉर्ट्स तो मैं थोड़े बहुत डाल रही थी लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। बस केवल ये था कि चलो अच्छा कुछ डाल देते हैं, लेकिन ब्लॉग्स बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है तो ब्लॉग्स नहीं मैं बना पा रही थी। और गाइस, आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ, और आज का मेरा सारा रूटीन वर्क कंप्लीट हो चुका है। और सारा मैं इस समय बज रहे हैं 12:30 और मेरा सारा का सारा काम कंप्लीट मैं कर चुकी हूँ। और आज शिव की मीटिंग थी और मैं शिव की मीटिंग अटेंड कर भी वहाँ से आ गई हूँ। और शिव के पेपर्स वगैरह भी इन बीच में ख़त्म हो चुके हैं, और इन पेपरों में भी मैंने उसका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रही थी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो रही थी। एक्चुअली मेरे घर में मेरी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत सीरियस थी वो, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मेरा टोटली माइंड उन्हीं की ओर ही अट्रैक्ट रहता था दिन भर, तो कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं घर पे भी फोकस नहीं अच्छे से कर पा रही थी, बस जैसे तैसे काम हो रहे थे। तो आप सोच ही सकते हैं कि मैं ब्लॉग कैसे बना सकती हूँ जब मैं घर के कामों में प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो बट अब थोड़ा सा मेरा मेंटली थोड़ा मैं सही हो गई हूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस मेरा कम हुआ है, थोड़ा सा अब मुझे सही लग रहा है। तो अब मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ, और आज से मैं ब्लॉग कोशिश करूँगी कि ना छूटे। जब बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बस तभी मैं ब्लॉग छोड़ती हूँ, अदरवाइज़ मेरा चाहे मैं जैसे टाइम निकालूँ मैं टाइम निकाल के ब्लॉग ज़रूर बनाती हूँ और आप तक डे बाय डे पहुँचाती रहती हूँ। गाइस, बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा है, कल से बहुत गर्मी हो रही थी और आज बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, ठीक है आप बादल देख सकते हो। तो गाइस, ब्लॉग की शुरुआत करने में भगवान ने भी मेरा साथ दिया। देखिए कितना अच्छा सा मौसम कर दिया है कि मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत नेचर से करूं, और इतना प्यारा मौसम हो रहा है इस समय, इतने बादल छाए हुए हैं जैसे लग रहा है कि बहुत तगड़ी बारिश होगी। लेकिन फ़िलहाल अभी बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन बादल बहुत ही ज़्यादा काले काले से घिरे हुए हैं और हवा भी चल रही है, तो देखते हैं कि बारिश होती है कि नहीं होती है। फ़िलहाल इस मौसम का एंजॉय करते हैं। गाइस, कितनी प्यारी हवा चल रही है और मौसम भी बहुत प्यारा है। मैं बना रही थी लंच और मैं लंच बनाना छोड़ के भाग आई ऊपर क्योंकि इतना मस्त मौसम आ रहा था और मुझे लगा कि वीडियो बनाना अच्छा लगेगा, तो मैं बहुत आई ऊपर। बहुत ही अच्छा है आज का मौसम, बहुत ज़्यादा प्यारा। मैंने बहुत दिनों से अपने पेड़ों से आपको नहीं मिलाया, देखिए इतने प्यारे मौसम को छोड़ के नीचे जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है, जबकि मेरा लंच अभी पूरा नहीं बना हुआ है, थोड़ा सा बाकी है, लेकिन मेरा मन ही नहीं कर रहा है नीचे जाने का। तो थोड़ी देर एंजॉय करते हैं इस मौसम को और उसके बाद।
तो मैं थोड़ी देर करती हूँ यहाँ पे मौसम को एंजॉय। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।